नमस्कार, खमागणी, राम राम साहब। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20x60 का मॉडर्न हाउस, जो कि पाल रोड पीपली चौराहे से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाला है। ये 20x60 का जो विला है ये रहेगा आपका वेस्ट फेसिंग और ये रहेगा फुल्ली फर्निश। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये विला पूरा डिटेलिंग में। आप देखेंगे ये पूरा मॉडर्न हाउस रहने वाला है। जो भी इसके आप फ्रंट देख सकते हैं, जोधपुर स्टोन टाइल, इसका पूरा ये मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर ये पूरा का पूरा हाउस रहने वाला है। और उसके बाद अगर मैं रैम की बात करूँ, रैम्प आपको इसके अंदर पूरा का पूरा ग्रेनाइट का रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं नेम प्लेट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। यहाँ पर आपका आराम से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसका मेन डोर है वो रहेगा आपका आयरन का, जो काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी यूनिक रहने वाला है। उसके बाद में घर के अंदर आने के बाद आप देखेंगे ये आपको काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी बड़ी SUV गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। इस हाउस की आपको दो एंट्री रहने वाली, एक जाएगी ड्राइंग रूम की तरफ और एक जाएगी लॉबी की तरफ। तो चलिए अब मैं आपको विला ये पूरा डिटेलिंग में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, आप देखेंगे ये भी आपको काफ़ी अच्छा एक वरेंडा स्पेस मिल रहा है। उसके बाद में ये पूरा मॉडर्न एलिवेशन के साथ में इसका पूरा लुक है। और मैं डोर्स की बात करूं तो डोर्स आपको यहाँ पे सारे के सारे प्योर सागवान डोर्स रहने वाले हैं, जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद में अब आए हम ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम आप देखेंगे ये भी आपको काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी जो फॉल सीलिंग भी एकदम प्रीमियम और एकदम लग्जरी रहने वाली है। यहाँ पे आप मेरे फ्रंट के अंदर देखेंगे ये रहेगा आपका TV पैनल, जिसके आप देख सकते हैं वॉलपेपर का भी काफ़ी अच्छा काम हो रखा है। और यू शेप में आपके यहाँ पे आएगा सोफा। और उसके बाद में फ्लोरिंग के अंदर आपको यहाँ पे सारी की सारी 2x4 की बड़ी वेटिफाइड टाइल्स रहने वाली है। घर की जो सेकेंड एंट्री है वो आएगी यहाँ से आपकी लॉबी की तरफ, और ये आएगा आपका लॉबी एरिया। 20x60 को काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश आपको डिज़ाइन कर रखा है। उसके बाद में लॉबी के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक वॉश बेसिन दे रखा है, जो कि आपका टेबल टॉप है, जो कि सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग है आपकी जगुआर की रहने वाली है। ये पूरा का पूरा घर आपका 3BHK रहेगा। इसके अंदर 3 मास्टर बेडरूम, 1 ड्राॅइंग रूम, लॉबी और ये पूरा डबल फ्लोर है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं डबल हाइटेड हाउस है। डबल हाइटेड हाउस के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाइलिश काम हो रखा है। जो इसका लाइटिंग वर्क है वो एकदम प्रीमियम है, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम क्लासी है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका नेक्स्ट पूजा स्पेस है वो। अब पूजा स्पेस भी आप देखेंगे ये भी आपको काफी अच्छा स्पेसियस रहने वाला है। यहां पे आप आराम से अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। नीचे आपको एक ड्रॉअर का सेक्शन दे रखा है। उसके बाद में आप यहां देख सकते हैं लाइटिंग और ग्लास के साथ में ये पूरा का पूरा आपका पूजा स्पेस रहने वाला है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं किचन की तरफ। किचन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आएगा आपका पानी का पलिंडा, जिसमें आपको वाटर टैप सारे के सारे एज इट इज यहीं पे इंस्टॉल रहेंगे। उसके बाद में ये आएगा आपका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं किचन स्टैंड आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका मॉड्यूलर रहने वाला है। जो भी आपको यहाँ पे टैंडम बॉक्सेस है वो सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजर्स हैं। उसके बाद में आप जो इसका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है। ये रहेगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटेड चिमनी। और किचन के अंदर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काफी अच्छा काम हो रखा है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो बैक एरिया है वो। बैक एरिया भी आप देखेंगे ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। 20x60 को काफी अच्छा यूटिलाइज कर रखा है। और यह आएगा आपका आप देख सकते हैं किचन सिंक में कभी आपके गेस्ट घर में एक्स्ट्रा हो, बर्तन वगैरह धोने के लिए लेडीज को परेशानी होती है, उसके लिए किचन सिंक को अलग से सेपरेट कर रखा है, ताकि आपके किचन के अंदर गंदगी ना हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो इसका नेक्स्ट फर्स्ट मास्टर बेडरूम है वो। पूरे घर की अगर मैं चौकट की बात करूं तो पूरे घर की चौकट आपको ग्रेनाइट की रहने वाली है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट की आपको सारी की सारी चौकट रहने वाली है। जो इसके डोर्स हैं वो डोर्स आपको सारे के सारे फ्लश डोर्स देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में। अब हम आए, आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम भी आप देखेंगे इसके अंदर हेडबोर्ड का काफी अच्छा काम हो रखा है, और ये साइड में वुडन की पैनलिंग हो रखी है। पूरे घर के अंदर जहां जहां आपको AC की रिक्वायरमेंट है वो सब जगह AC के पॉइंट्स आपको इंस्टॉल रहेंगे। और ये रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ के फ्रंट के अंदर, आप मेरे देख सकते हैं ये रहेगा आपका TV कैबिनेट। और TV कैबिनेट के बाद में ये रहेगा आपका वार्डरोब। इस रूम का जो ड्रेसिंग है वो आपको बाथरूम के अंदर ही देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये स्लाइड वार्डरोब से, जो सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजर्स हैं। बेड के नीचे भी आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। और उसके बाद में यहाँ पे टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो टाइल्स भी काफी अच्छी प्रीमियम टाइल्स लगी हुई है। वॉशरूम के डोर्स भी आप देखेंगे ये भी आपको फ्लश डोर्स विथ हैंडल, काफी अच्छी क्वालिटी के डोर्स रहने वाले हैं। उसके बाद में अब हम आ गए हैं वॉशरूम में। वॉशरूम आप देखेंगे ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 8 फीट हाइट तक की टाइल्स रहेगी, ऊपर आपको फैन का प्रोविजन दे रखा है, और ये रहेगा आपका शॉवर एरिया आपको सारा का सारा ब्रांडेड रहेगा। जो भी आपकी यहाँ की सैनिटरी फिटिंग्स है, गीजर आपको इंस्टॉल रहेंगे, एग्जॉस्ट फैंस आपको इंस्टॉल रहेंगे। और ये आ गया इसका वॉलिंग के बाद आप मेरे फ्रंट के अंदर देखेंगे ये रहेगा आपका वॉशबेसिन एरिया। वॉशबेसिन आप देखेंगे ये टेबल टॉप है, ग्लास का काफी बड़ा काम हो रखा है, काफी अच्छा काम है। और उसके बाद में ये आ गया मेरे फ्रंट के अंदर, आप देखेंगे ये रहेगा आपका वार्डरोब।
यहाँ पे आप आराम से अपने कपड़े वगैरह आराम से रख सकते हैं, और ये भी सारे के सारे वार्डरोब्स आपको सॉफ्ट क्लोजर्स रहने वाले हैं। नीचे अभी आपने एक रूम किचन और ड्राइंग रूम देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो दो मास्टर बेडरूम है वो। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो ग्राउंड फ्लोर का जो कॉमन वॉशरूम है वो। कॉमन वॉशरूम भी आप देखेंगे, ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। ये आ गया आपका वापस शॉवर सेक्शन, ये आ गया वॉल लिंक कमोड, और ये आएगा मेरे फ्रंट पे वॉश बेसिन। वॉश बेसिन भी आप देखेंगे, ये भी आपको सारी की सारी ब्रांडेड और जगुआर फिटिंग का रहने वाला है। उसके बाद में ये आप देखेंगे स्टेयर्स के नीचे आपको एक स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है, जो भी काफी अच्छा स्पेसियस है। जो इसका फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का आप लुक देखेंगे वो काफी प्रीमियम और काफी इनहेंस करता है। ये रहेगा आपका स्टोर एरिया, और स्टोर एरिया के बाद में आपको जो ऊपर की रेलिंग है, रेलिंग आपको स्टेनलेस स्टील की रहने वाली है विद ग्लास। अब चलते हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के अंदर मैं स्टेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेनाइट और टाइल्स का काफी अच्छा काम हो रखा है, आप देख सकते हैं। जो इस घर की जो लाइटिंग का काम है, आप देखेंगे लाइटिंग आपको काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है, जो काफी एक अच्छी पूरी घर को एक इनहेंस करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इसका फर्स्ट फ्लोर का जो मास्टर बेडरूम है वो। फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में आने के बाद आप देख सकते हैं, ये भी आपको 20x60 के अंदर काफी अच्छा स्पेसियस हाउस रहने वाला है, जिसके अंदर ये रहेगा आपका स्लाइड वार्डरोब्स, आप देख सकते हैं, जो काफी बड़े और काफी अच्छे स्टोरेज वाले मिलेंगे आपको। बाद में आप देखेंगे वॉलपेपर का काफी अच्छा काम हो रखा है, और ये रहेगा हेडबोर्ड। इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम और काफी अच्छी क्वालिटी की रोप लाइट रहने वाली है। उसके बाद में इस रूम की जो फॉल सीलिंग भी है वो भी एकदम डिसेंट और काफी अच्छी लगने वाली है। ये रहेगा आपका टीवी कैबिनेट, और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका अटैच वॉशरूम है वो। वॉशरूम भी आप देखेंगे, ये भी आपको 8 फीट हाइट तक की यहाँ पे टाइल्स रहने वाली है। पूरे शॉवर सेक्शन को अलग से सेग्रीगेट कर रखा है, जो सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग आपकी ब्रांडेड रहने वाली है। ये आगे आप देख सकते हैं वॉल लिंक आपका कमोड, जो भी आपका ब्रांडेड रहेगा। ये आप सामने देखेंगे काफी स्टाइलिश आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिलेगा, और सारे के सारे चीजें आपकी ऑपरेशनल रहने वाली है और जगुआर फिटिंग ब्रांड की है। और उसके बाद में वॉशरूम के अंदर ही आप देखेंगे, इसके अंदर भी आपको वार्डरोब का सेक्शन दे रखा है विद ग्लास, जिसको आप देख सकते हैं, आप वार्डरोब को काफी अच्छा स्टाइलिश और काफी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ जो सेकेंड मास्टर बेडरूम है वो। सेकेंड मास्टर बेडरूम से पहले आप देखेंगे ये पूरा का पूरा डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइटिंग का और ग्लास का काफी अच्छा काम हो रखा है। इस साइड मेरे पीछे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा वॉलपेपर रहने वाला है, और ये रहेगी स्टेनलेस स्टील। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अपन आए जो इसका मास्टर बेडरूम है, जो काफी बड़ी और किंग साइज के अंदर रहने वाला है। आप देखेंगे इसका जो हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड भी एकदम काफी प्रीमियम है, जिसके अंदर आप देखेंगे रोप लाइट का काफी अच्छा काम हो रखा है। जो मेरे फ्रंट के अंदर आप देखेंगे ये टीवी कैबिनेट है, टीवी कैबिनेट भी काफी स्टाइलिश और काफी यूनिक रहने वाला है। और उसके पास में आएगी आपके ये स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी जो बालकनी है वो। बालकनी भी आप देखेंगे, इसका भी काफी बड़ा डोर है, और ये काफी बड़ी अच्छी साइज की आपको यहाँ पे बालकनी मिलेगी। इसका फ्रंट व्यू आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जोधपुर के अंदर जो पाल रोड है, पाल रोड का ये पूरा पॉश एरिया रहने वाला है। अब जो इसका अटैच वॉशरूम प्लस ड्रेसिंग, ये रहेगा इस मास्टर बेडरूम का आप देखेंगे ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आप देखेंगे, इसका भी जो लेमिनेट का जो काम है वो काफी प्रीमियम और काफी अच्छा और काफी बड़ी साइज के अंदर ये लेमिनेट रहने वाला है। उसके बाद में आप मेरे फ्रंट के अंदर देखेंगे जो ये ग्लास का काम है, ग्लास आपको यहाँ पे काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका अटैच वॉशरूम है वो। इस रूम का वॉशरूम आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। ये रहेगा आपका शॉवर एरिया, शॉवर एरिया इसको अलग से सेग्रीगेट कर रखा है। उसके बाद में आ गया वॉल लिंक कमोड, और उसके बाद में आएगा आपका वॉश बेसिन। वॉश बेसिन भी आपको सारे के सारे आपको यहाँ पे टेबल टॉप रहने वाले हैं विद ग्लास। बताइए आपको ये 20x60 का फुल्ली फर्निश हाउस कैसा लगा। ये विला रहेगा आपका वेस्ट फेसिंग पाल रोड पे पीपली चौराहे के पास में। अगर आप इस विला की विजिट करना चाहते हैं, आप इस विला को खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।